आप जानते ही हैं कि विवियन टाइम गॉड बन चुका है, लेकिन यहाँ पर अब विवियन के टाइम गॉड बनने पर और किस तरीके से शिल्पा ने जिस तरीके से विवियन को टाइम गॉड बनाया है उसको लेकर अब सलमान खान बरसे हैं। क्यों बरसे हैं वो और क्या हुआ है ऐसा, चलिए हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ देखने को मिला कि सलमान खान जो है रजत को फटकारते नजर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और चीज़ सामने आई है। यहां पर सामने आया कि शिल्पा ने विवियन को टाइम गॉड बनाया और करण को नहीं। यहां सलमान जो है साफ साफ कहते हुए नजर आए कि कैसे जो है यहाँ जिस तरीके की चीज़ें विवियन ने चाहत के साथ की थी, क्या शिल्पा आपको लगता है कि वो वाकई में डिजर्विंग थे? क्या आपको लगता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर देखने को मिला कि शिल्पा ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए यहाँ पर विवियन को बना दिया है टाइम गॉड? और इसी बात को लेकर सलमान खफा हुए हैं। सलमान का मानना है कि अगर घर का एक कंटेस्टेंट किसी लड़की के साथ इस तरीके से बिहेव करता है तो क्या आपको लगता है कि उसे टाइम गॉड बनाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता वो टाइम गॉड बनेगा, उसके हाथ में पावर आ जाएगी तो वो उस पावर का इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकता है, यानी कि वो चाहत को और परेशान कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली और जिस तरीके से यहाँ पर टाइम गॉड बनाया है उसके बाद क्या आपको लगता है कि क्या शिल्पा का ये डिसीजन सही था? सलमान खान ने शिल्पा पर भी सवाल उठाए और साफ साफ कहा कि आपको ऐसी कौन सी क्वालिटी लगी कि आप टाइम गॉड बनाने के लिए राजी हो गई? क्या आपको नहीं लगता कि आपका डिसीजन बायस था? आपको ये नहीं दिखा कि उसने चाहत के लिए और चाहत के बारे में क्या क्या कहा? पूरे के पूरे जो कि आप लोगों को टास्क दिया गया था, इस टास्क में जब भी ये सवाल उठे आपके पास इस बात को लेकर कोई जवाब ही नहीं था। तो यहाँ पर अब सलमान बरसे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।